आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कर्ज तो दे दिया है। काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है। यकीनन साथ दिया है, नो डाउट। पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, उनकी इकनॉमी बहुत ख़राब है। एक डॉलर इक्वल टू 176 पाकिस्तानी रुपए फॉरेक्स ख़त्म होते दिखा दे रहे हैं। करेंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई कर्ज देने को तैयार नहीं। 6 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर कर्ज इनका 30 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। बहुत बुरी हालत है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो लोन टर्म्स पाकिस्तान को दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बहुत कड़ी शर्तें रखी गई हैं। अब इसलिए भी रखी गई है, पिछली बार पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर लौटाने में बहुत दिक्कतें आई थी। तो भाई, ये तो पैसा है, अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आपको लौटाना भी तो पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने पैसा दिया तुमको, तुमने बोला सर हाँ मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं लौटा दूंगा। अब आपने लौटाया ही नहीं, तो अगली बार आपकी फिर हालत खराब होगी। अब मैंने रिश्ते नाते के लिए मैंने कहा कि ठीक है तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन मैं इस बार तुमको लौटाना ही पड़ेगा, तो बहुत ही तगड़ी शर्त मैं लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। ये चीज है। तो पाकिस्तानी मंत्रालय की एक रिपोर्ट से यह पता चला है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2018 में 3 साल के लिए 6.2 बिलियन डॉलर का वित्तीय पैकेज दिया था, और वो बुरी बड़ी मुश्किल हुई थी इनको लौटाने में। तो वही चीज है, अब पाकिस्तान की माली हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इनको शर्तों पर उधारी लेनी पड़ रही है। तो अब इसमें पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं फवाद चौधरी, उनके अनुसार सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए 3 अरब डॉलर, सिर्फ 1 साल के लिए 3 अरब डॉलर की नकद जमा राशि देने के लिए सहमति जता दी है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को कैश देगा 3 अरब डॉलर। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया इसको कभी भी वापस ले सकता है। पहली कंडीशन ये है कि सऊदी अरेबिया खाली 3 दिन का नोटिस देगा। 3 दिन के नोटिस देने के बाद कभी भी इस पैसे को वापस ले सकता है, और पाकिस्तान को यह लौटाना होगा। अनकंडीशनल है ये। सऊदी ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट तो दिया है, रिवाइज करने को तैयार हो गया है। तो 3 अरब डॉलर तो कैश रिजर्व्स, और बाकी 1.2 अरब डॉलर जो है वो तेल आपूर्ति डिफर्ड पेमेंट, ऑयल डिफर्ड पेमेंट जिसको बोलता है, कि तेल तो हमसे 1.2 अरब डॉलर का तेल खरीद सकते हो, उसके लिए हामी भरी है। मतलब टोटल पैकेज जो है वो 4.2 अरब डॉलर का है, जिसमें 3 पूरा का पूरा कैश है, 3 अरब पूरा का पूरा कैश है। पिछले साल ये हुआ था 2020 में, जब इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पे गए थे तब ये समझौते पे बात हुई थी। लेकिन याद रखिएगा, ये कैश रिजर्व जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, खर्च करने के लिए नहीं है। इमरान खान सरकार इसको चाहकर भी खर्च नहीं कर सकती। तो दूसरी कंडीशन, इमरान खान सरकार इसको चाहकर भी नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ बैंक में दिखाने के लिए होगा, समझे आप, और 1 साल में आपको लौटाना होगा। ये इसमें रोल ओवर नहीं है, ये रोल ओवर नहीं है। कि रोल ओवर क्या होता है, कि चलो आप 1 साल में नहीं लौटा पाए, 2 साल, फिर 3 साल, सिर्फ 1 साल का इसमें टाइम लिमिट है, और 3 दिन के अंदर लौटाना होगा। नोटिस अगर मान लो कुछ भी गड़बड़ हुई तो सऊदी अरब 3 दिन का नोटिस देगा। तो पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बताया है कि 3 अरब डॉलर पर 4% तो इंटरेस्ट है। तीसरी कंडीशन, 4% इंटरेस्ट, इतने बड़े पैसे पे इतना इंटरेस्ट उनको देखना होगा। इससे पहले ये इंटरेस्ट दर जो है वो 3.2%, अब 0.8% से बढ़ा के 4% कर दी गई है। तो अगला पॉइंट ये है, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के कर्ज पर 120 मिलियन डॉलर का तो ब्याज होगा सिर्फ और सिर्फ, समझिए। तो अब ये जो कंडीशंस है, इसमें पाकिस्तान काफी नाराज भी है कि भाई कंडीशन, लेकिन अब उसके पास कोई चारा तो है नहीं। अब अरब न्यूज ने यह बताया है कि सऊदी अरेबिया में डिफॉल्ट होने की भी स्थिति पर शर्तें रखी हैं। यानी कि मान लो कि अगर ये डिफॉल्ट करता है, पेमेंट जो है वो डिफॉल्ट खत्म हो जाती है, नहीं लौटा पा रहा है पाकिस्तान, तो उसमें तुरंत अपना डिपॉजिट निकाल सकता है सऊदी अरब। समय पर अगर तुमने इंटरेस्ट नहीं भरा तो भी उसको डिफॉल्ट माना जाएगा, समझ रहे हो। सऊदी अरब से इस बार इसीलिए कड़ी शर्तें रखी गई है। पिछली बार पाकिस्तान ने 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर लौटाए नहीं, उसका बहुत दिक्कतें आई थी,
तो उस समय फिर चाइना से पैसा लेके सऊदी अरेबिया को लौटाना पड़ता, हर्षद मेहता वाला केस, कि इधर से पैसा लिया उधर से दिया। आपने 1 करोड़ रुपए किसी से लिए, अब वो इंसान 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो आपने दूसरे इंसान से इतने पैसे ले लिए, लेकिन दूसरे इंसान को भी तो चुकाने हैं ना। तो एक तरीके से चाइना से पैसा लेके तब जाके सऊदी अरेबिया को दिया था। 2018 में 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज दिया था सऊदी अरेबिया ने, और उसने उसे लौटाने के लिए अधिक वक्त देने से इनकार कर दिया था। कि अब सऊदी अरेबिया ने बोला था कि इससे ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था भाई अब हम लौटाएं कैसे, हमने पैसे तो आपसे ले लिए, अब पैसे तो हमारे पास देने के लिए है नहीं, तो थोड़ा सा वक्त दे दो। सऊदी अरेबिया ने बोला बाड़ में जाओ, तो चाइना से पैसे लिए थे। अब जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान, मतलब सऊदी जो है वो पाकिस्तान को आखिरकार इतना कर्ज देता क्यों है, ना दे कर्ज, क्यों इतना लोन दे रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ईरान और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी तो है ही, ये तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूं। तो यहां पे विश्लेषकों का ये मानना है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सऊदी पाकिस्तान के जरिए ईरान पर काबू करना चाहता है, समझ रहे हो। फ्रांस में रह रहे पाकिस्तान के जो अवार्ड विनिंग पत्रकार हैं तहा सिद्दीकी, उन्होंने 16 फरवरी 2019 को एक आर्टिकल लिखा था। उसमें यह कहा था कि सऊदी का जो आर्थिक पैकेज है और जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है, पाकिस्तान की वफादारी खरीद रहा है, वो अपने हिसाब से पाकिस्तान की सीमा को कंट्रोल करना चाहता है। ये चीज है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अच्छी है, आप कुछ भी कहिए, इनकी मिलिट्री और इनकी ISI बहुत ही बेकार है, मतलब आतंकी हैं समझिए, लेकिन अगर आप उसकी बात करें, स्किल्स की बात करें, तो उनकी मिलिट्री अच्छी है। सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री है वो, उनके पास मिलिट्री है ही, तो एक तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री का भी ये साथ चाहेंगे, ये भी रहता है। तो पाकिस्तान की वफादारी खरीदता है सऊदी अरेबिया। मई के बाद पाकिस्तान, कल ही मैंने आपको बताया था ना स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी बुरी हालत हो गई पाकिस्तान की, तो मई के बाद जो है वो 13.6% की जो रुपए है पाकिस्तान का, उसमें गिरावट आई है। $1 176 रुपए हो गया है, 175.80, इतना ज्यादा $1 के लिए। अभी से पहले 173 रुपए के आसपास थे, अभी और गिर गया है। पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, कल ही बताया था मैंने, $18 बिलियन था, और अभी ये $19 अरब पर पहुंच चुका है। ये चीज है, तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो सऊदी के लिए पाकिस्तान इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये मैंने आपको बताया ही है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के ISI और उनकी न्यूक्लियर पावर, तो उसमें सऊदी को इनका साथ चाहिए कि सुरक्षा पर जब भी बात आएगी तो पाकिस्तान सऊदी के साथ ही खड़ा रहेगा। कुछ भी हो, पाकिस्तान, UAE, सऊदी, यही सब तो अपने टूर्नामेंट्स करवाता है, तो ऐसा नहीं है कि सऊदी जो है वो कुछ भी बिना सोचे समझे कर रहा है। अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपसे बहुत कुछ चाहता है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड माय फ्रेंड। तो ये लेक्चर था, भले ही $3 बिलियन यहाँ पे दे रहा है, लेकिन शर्तें बड़ी सख्त है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।